डियर स्टूडेंट्स आज आपका जो ये लेक्चर है इंपॉर्टेंट लेक्चर है चैप्टर सेवन का तो यह है कि पावर इन एन ए सी सर्किट द पावर फैक्टर पावर फैक्टर के बारे में बात करेंगे और जो पावर हम एल सी आर सर्किट में देते हैं उसके बारे में हम बातें करेंगे और इस पावर फैक्टर को हम कैलकुलेट करेंगे क्या होता है ये क्या पावर फैक्टर होता है ठीक है ना तो Let us suppose that we have an LCR circuit. LCR circuit. So, let us suppose that at any instant, the instantaneous value of voltage given to it is Vm, Vm is the peak value sine of omega t. ठीक? This is equation number 1. Now, लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंस्टेंटेनियस नॉ ये डीसी वैल्यू नहीं इंस्टेंटेनियस क्योंकि आल्टरनेटिव करंट चेंज करती रहती है इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट किसी भी टाइम टी पे वैल्यू आई ऑफ करंट इज आई एम दिस इज द पीक वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइ व फाइ इज द एंगल फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट ओके नाउ द इंस्टेंटेनियस पावर पी इज गिवन बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट ठीक सो इंस्टेंटेनियस पॉवर इन दिस एल सी आर सर्किट विल बी वी इंटू आई ठीक है वो किसके बराबर होगा वी का वैल्यू दे देंगे वी एम साइन उमेगा टी इंटू इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है नाउ वी विल कंप्यूट दिस प्रोडक्ट ये कैसे होगा वी एम एम आई एम एंडस्टेंट सो वी एम इंटू आई एम बचा क्या हमारे पास साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है ना इसको आप खोल देंगे साइन ऑफ ए प्लस बी फॉर्मूला लगा के ठीक है सो दिस विल इक्वल टू वी एम आई एम साइन उमेगा फॉर्मूला करेंगे अप्लाई साइन ऑफ ए प्लस बी विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ साइन ऑफ बी कॉस ऑफ ए ये फॉर्मूला यहां पर हम अप्लाई करेंगे ठीक दस तो लेता हूं ओके सो दिस विल बी इक्वल टू ये फॉर्मूला अप्लाई करें साइन ओमेगा कॉस ऑफ आई इसको यहां ऐसे कर देते हैं ब्रैकेट में प्लस साइन ऑफ फाई कॉस

कॉस फाइ। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी और साइन फाइ ठीक है अब इसको कॉस टू थीटा में चेंज करेंगे बिकॉज कॉस ऑफ टू थीटा

इंस्टेंटेनियल्यू इंस्टेंटेनियस ऑफ वैल्यू पावर हम इंस्टेंटेनियस पावर निकालते हैं ठीक सो दिस विल बी तो ये वन माइनस कॉस टू थीटा टू थीटा यहां पर ओमेगा टी है डिवाइडेड बाय टू इंटू कॉस ऑफ फाइव ठीक है प्लस देखिए यहां पर मैं वन बाई टू से टू से मल्टीप्लाई भी करूंगा और टू से डिवाइड भी करूंगा तो यहां क्या होगा ये साइन ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इसको हम ले लेंगे इंटू साइन फाइव ठीक है अब देखिए यहां पर इसको यहाँ ये निकलेगा अब सिम्प्लीफाई करेंगे वी एम आई एम वन बाई टू वन बाई टू को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से फिर इसको टू थ्री फॉर्म फॉर्मा देंगे तो वन बाई टू के बदले में यहाँ पे टू लिखूंगा यहाँ क्या बचा कॉस फाइव से मल्टीप्लाई इसको साथ साथ करेंगे कॉस ऑफ फाइव कॉस ऑफ माइनस कॉस ऑफ टू थ्री टू ओमेगा टी इन कॉस ऑफ फाइव यहां ये टू हमने बाहर निकाला तो ये बचा टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी ये साइन टू थीटा किसके बराबर होता है टू आई साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे थीटा ये है ठीक सो इट विल बी टू हमने बाहर निकाला है कॉमन निकाला है सो प्लस दिस विल बी साइन ऑफ टू थीटा ओमेगा टी और यहां पर साइन फाइव मल्टीप्लाइड ठीक अब इसको फर्दर सिंप्लाई सिंप्लीफाई करेंगे कैसे देखिए यहां में माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा यहां ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो देखे ये कॉस कॉस ए कॉस बी कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी इंटू प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस कॉमन निकालेंगे हमें पता है एक और जो फॉर्मूला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी ये फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे पहले माइनस कॉमन निकाल के तो ये हमें मिलेगा सिंप्लीफाई करके वी एम आई एम डिवाइडेड बाई टू तो ये होगा कॉस फाइव तो यही रहेगा ठीक ये क्या होगा ये बनेगा हमें माइनस निकाल के बाहर ये फॉर्मूला अप्लाई करके इट विल बी कॉस ऑफ ए दैट इज टू तो ओमेगा टी प्लस बी दैट इज फाइव तो ये हमारी यहां पर एक्सप्रेशन निकली है ठीक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू पावर ट द एवरेज पावर अब देखिये ये जो यहां पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर हो गया अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे व एवरेज पावर ठीक सो एवरेज पावर हम आ, ऐसे दिखा सकते हैं पी कैपिटल पी से डेट वो ऐसे भी लिख सकते हैं हम पी या एवरेज पावर पी ऐसे ठीक है बार करके तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो इस सब की एवरेज ऐसे दिखाते हैं वी एम ये इससे पहले लेक्चर में आप मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ दैट इज टेकिंग एवरेज ओके माइनस कॉस्ट ऑफ टू ओमेगा टी प्लस फाइव इसकी एवरेज आप देखिए यहां पर वी एम आई एम डिवाइड बाई टू ये कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट की कोई एवरेज नहीं निकल सकती वो एवरेज से बाहर आएगा सो इट विल बी वी एम बिकॉज इसकी एवरेज इसके बाद इसकी एवरेज चूंकि कॉस फाइ इट इज टाइम इंडिपेंडेंट ठीक है ना तो इसकी भी कोई एवरेज नहीं ये चेंज नहीं होगा ऐसे हो क्योंकि जब चेंज ही नहीं हुआ तो एवरेज क्या निकले एवरेज वैल्यू भी वही होगा जो इसका वैल्यू है सो इट विल बी कॉस फाई तो बचा क्या माइनस ये ऑफ टू ओमेगा तो कॉस ऑफ टू ओमेगा इसकी एवरेज आपको पता है कैसे तो मैं, मैंने इससे पहले लेक्चर में दिखाया था आपको दैट विल बी जीरो टू तो टी ओवर कंप्लीट साइकिल ओके कॉस ऑफ टू ओमेगा प्लस फाइव इनटू डी टी इंटीग्रल 0 टू टी 0 टू टी डीटी तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं ओवर कंप्लीट साइकिल क्योंकि आधे साइकिल uh, में ये पॉजिटिव होता है आधे साइकिल में नेगेटिव कोसाइन तो ये इसका वैल्यू जीरो होगा ठीक है ना तो ये जो है ये सारा जीरो तो अगर आपको देखना है तो इससे पहले जो मैंने लेक्चर है आप वहां पर देख लेना कि मैंने कैसे एवरेज निकाली है ठीक है सो so, ये आपका जीरो बन गया सो एवरेज और एवरेज पावर पी बार या खाली पी भी लिख सकते हो ठीक इज इक्वल टू यहां आपने स्मॉल पी लिखा यहां कैपिटल लिखा वी एम आई एम बाई टू कॉस ऑफ फाइव बाकी ये जीरो हो गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू ये जो टू है इसको अलग लिख सकते हैं वी एम बाई रू टू इंटू आई एम बाई रू टू करंट डिड बाई रू टूट इज कॉल्डेज एंडल्यू ऑफ द करंट तो कुछ लिखते हैं वी आर एम एस या सिंपली वी लिखते हैं आई आर एम एस के बदले में सिंपली आई लिखते हैं ठीक कुछ बुक्स अगर आप टेक्सट बुक देखोगे वहाँ उन्हें वी आई लिखा होगा ठीक तो जो और बुक्स होगी वहां वी आर एम एस या आई आर एम एस करंट और इसके बदले में ठीक है

दिस एल सी आर सर्किट इज जहाँ पर हमने ए सी अप्लाई की है इज इक्वल टू वी आर एम एस प्रोडक्ट ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ द करंट एंड वोल्टेज एंड करंट एंड आपको पावर पता है पावर जनरली आप लिखते थे वी uh, इन टू आई लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक और चीज सो कॉस ऑफ आई इज कॉल्ड पावर फैक्टर ठीक है इस कॉसाई को, को हम पावर फैक्टर कहते हैं ये जो क्वांटिटी है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इसको कहते हैं हम अपेरेंट क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट पावर होता है लेकिन क्योंकि यहां कॉसाई इसके साथ में इसको कहते हैं अपेरेंट पावर ठीक अपेरेंट पावर या वर्चुअल पावर भी इसको कहते हैं ठीक है या ये कहो या ये और ये जो सारी टर्म है ठीक है ना या ये पी इसको कहते हैं हम वी आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस ठीक है इंटू कॉस ऑफ फाइव इसको कहते हैं हम ट्रू पावर ठीक है, ओके okay. तो ये होगा यहां तक अब कॉस फाइव का एक और वैल्यू पावर फैक्टर का ये जो डेफिनेशन एक और डेफिनेशन है नाउ यहां पर क्या है देखिए, ये ट्रू पावर है पी विच इज गॉट आई एम एसो फाई सो so, इसको कहेंगे ट्रू पावर पी को क्या कहेंगे ट्रू पावर यानी यहां से अगर मैं ये ले लू पी डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इंटू आई आई आर एम एस इस इक्वेशन में से तो बचेगा क्या कॉस फाइव यहां से कॉस फाइव इसको कहते हैं ट्रू पावर डिवाइड आप मैंने बताया पहले वर्चुअल पावर या अपेरेंट पावर सो द रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर इज कॉल्ड कॉस फाइव दैट इज पावर फैक्टर ठीक है तो यहां तक आपने देखा ठीक इसका स्क्रीनशॉट ले लो हम फिर आगे चलते हैं पावर फैक्टर के डिफरेंट केसेस क्या होंगे कब पावर कंज्यूम होगा कब नहीं होगा तो वो इसके बाद आप पढ़ेंगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका अब देखिए यहां पर हमने लिखा जो सर्किट कैसे टाइप का हो रेजिस्टिव हो कैपेसिटिव हो प्योरली कैपेसिटिव हो प्योरली रेजिस्टिव हो तो यहां पर लिखेंगे उसमें एंगल फाइव क्या होगा पावर फैक्टर फिर क्या बनेगा और पावर डिस्पेटेड कितना होगा ठीक तो पहले अग, पहला जो नंबर है प्योर रेजिस्टर है दैट इज अ प्योर रजिस्टिव सर्किट यानी जहां सिर्फ रजिस्टर लगी हो और कोई चीज नहीं होगा बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी डोंट है कुछ कैपेस्ट भी रहती है और इलेक्ट्रस uh, uh, भी रहती है तो प्योर रजिस्टिव सर्किट हम मान लेते हैं प्रैक्टिकलीटस से उसकी रजिस्टेंस आर है तो रजिस्टिव सर्किट में आपको अगर ये रजिस्टेंस है ठीक है और कुछ नहीं लगा है बाकी करंट वोल्टेज लगी है तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में वी आर भी वोल्टेज और आर भी इसी डायरेक्शन में होती है ठीक बिकॉज इसमें कोई फेज फेज एंगल जो होता है जीरो होता है सो so, फाई क्या होगा यहां पर जीरो तो पावर फैक्टर क्या बनेगा कॉस्ट ऑफ जीरो दैट इज वन सो मैक्सिमम पावर विल बी डिस थ्रू रजिस्टर रजिस्टर सर्किट तो पावर पावर डिस्पेटेड क्या होगा पावर डिस्पेटेड पी विल बी आई लिखूंगा आई वी आई ठीक इंटू कॉस ऑफ फाई सो विच इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस ऑफ दैट दैट इज इज मैक्सिमम पावर विल बी डिसिपेटेड ठीक है ना दैट इज़ वी आई ठीक है मैक्मम पावर विल बी डिस ठीक है ना यानी सारा जो आप रेजिस्टेंस में से जाएगा तो वो हीट में कन्वर्ट होगा ठीक है क्लियर जैसे आप यू कैन नॉट गेट इट बैक जैसे आप फ्रिक्शन में करते हो ऐसे तो अगर आपने वर्क डन किया अगेंस्ट दिस फ्रिक्शन तो वो हीट में लॉस हो गया तो आप उसको वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते हो लेकिन दूसरी बात होती है अगर ग्रेविटेशन फील्ड में मिसाल के तौर तो पर आपने एक पत्थर उठाया ऊपर उसकी आ, किसी हाइट पे तो आपने जो उसको एनर्जी दी अगर वो वापस आएगा तो वापस वो एनर्जी दे देगा दे ठीक है ना तो उसमें हम कहेंगे यहाँ अगर ऐसा सर्किट हो उसमें कहेंगे हम पावर डिस्पेटेड इज जीरो लेकिन यहाँ, क्या है यहाँ पावर डिस्पेटेड इस रजिस्ट सर्किट में मैं, आ, ये मैक्सिमम है वी आई ठीक तो अब जिसमें पावर डिस्पेट ना हो ऐसे सर्किट मिसाल अब लेते हैं हम दूसरा जो टाइप का सर्किट है वो प्योर इंडक्टिव प्योर इंडक्टिव सर्किट यानी उसमें क्या लगा है क्वाल या इंडक्ट लगी है ठीक इंडिया क्या होता है आ, क्या होता है करंट तो लैगेज इस डायरेक्शन में जा रही है करंट आई ठीक और वोल्टेज इस डायरेक्शन में लेते वी एल तो उसमें एंगल कितना है पाई बाई टू क्योंकि फेज एंगल उनमें पाई बाई टू होता है तो पावर ये क्या होगा पावर कितना होगा फाइ विच इज इक्वल टू पाई बाई टू सो कॉस ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो सो पॉवर डिस पी विल बी इक्वल टू वी इंटू आई कॉस ऑफ फाई विच इज इक्वल टू वी इंटू आई कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस ऑफ पाई बाई टू क्या होता है जीरो सो दिस विल बी जीरो सो नो पावर इज डिस्पेटेड इन इंडक्टर दैट मीन्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर एंड इट विल बी रिलीज बैक, इट रिलीज बैक जैसे मैंने कहा कि सी को अगर इनिट को अगर ऊपर लेंगे तो वो एनर्जी स्टोर करती, जब वापस आएगी तो वो एनर्जी वापस दे देगी ठीक तो यहां पर क्या uh, है इसमें इंडक्टर में हमने बोला था कि करंट लैग्स वोल्टेज अगर मैंने स्लिप ऑफ टंग से करंट लीड्स वोल्टेज तो वो करेक्शन कर लेना ठीक है अगर कहा गया हो तो ठीक है तो यहां पर हमने ये बताया अब तीसरा जो केस है तीसरा केस है किसका प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योर कैपेसिटिव सर्किट ठीक है तो उसमें क्या होगा कैपेसिटर होगा जिसकी कैपेसिटेंस मिसाल के तौर तो। पर सी है तो करंट सपोज इस डायरेक्शन में है नाउ उसमें क्या कहता है करंट लीड करती है वोल्टेज को तो करंट अगर आई इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज लैग करेगी इस डायरेक्शन में वो वी सी इस डायरेक्शन में होगी और ये होगा आपका ये होगा आपका एंगल पाई बाई टू है ठीक तो कॉस ये जो फैक्टर बनेगा अगेन कौ, कॉस फाई इज पाई बाई टू चाहे अब लीड करे या लैग करे तो एंगल पाई बाई टू है कॉस पाई बाई टू इज इक्वल टू तो जीरो अगेन पावर कंज्यूम्ड विल बी जीरो, सो so, इसमें कोई पावर कंज्यूम नहीं रहता है बिकॉज़ इट्स कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इसमें स्टोर एनर्जी रहती है रजिस्टर की तरह डिस्पेट नहीं होती है ठीक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो आगे जाते हैं नेक्स्ट मिसाल के तौर पर आपके पास आरसी सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगी है सीरीज में ऐसे सपोज अब करंट इस डायरेक्शन में है इसमें तो वोल्टेज की इसी डायरेक्शन में होगी क्योंकि पोटेंशियल की यहाँ एंगल ये जो फेज एंगल होता है वो ज़ीरो होता है तो वी आर भी इसी डायरेक्शन में करंट इसमें कैपेसिटर में इसी डायरेक्शन में लेकिन वोल्टेज क्या होगी वोल्टेज क्या करेगी यहाँ पर लैग करेगी इस डायरेक्शन में होगी ठीक तो अगर हम इन दोनों को दें तो ये मैं डायग्राम यहाँ बड़ा बनाता ये इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वी आर तो यहां वोल्टेज चूंकि लैग कर है तो इस डायरेक्शन में कैपेसिटर में तो इनकी रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगी दैट विल बी थ्रो डायगनल एट अ दैट इज वी ठीक है तो इस डायरेक्शन में ठीक फेजर डायग्राम में दिखाया मैंने तो यहां पर ये एंगल क्या होगा यहां पर चूंकि करंट इस डायरेक्शन में है तो ये एंगल फाइव बनाता है जो इनका रिजल्टेंट वोल्टेज निकलते तो यहां एंगल फाइव बनाता है तो फाइव कैसे निकालेंगे हम यहां से कॉस फाइव दैट विल बी ये पर ये परपेंडिकुलर है तो कॉस फाइव किसके बराबर बनेगा दिस बेस डिवाइडेड बाई हाई तो कॉस फाइव बनेगा बेस बेस क्या है आपकी वी आर डिवाइडेड बाई वी अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर किसके बराबर होगा आई जो करंट होगी ओमजला इनटू रेजिस्टेंस आर और वी वी चूंकि वोल्टेज है इन दोनों की रिजल्टेंट का ठीक है ना सो इट विल अ रेजिस्टेंस बट इट विल बी इंपीडेंस जेड इनटू व्हाट इन करंट तो वही है आई तो यहां आई और आई कैंसिल होगा सो कॉस फाइव बी इक्वल टू आर बाई जेड ये एक और डिफिशन है किसकी दिस पावर फैक्टर थी पावर फैक्टर थी पावर फैक्टर की ठीक दिट इज द रेशो बिटवीन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस ठीक है ये एक और ये भी याद रखना अब इसमें क्या होगा ये जो फाई है इट कैन हैव नाउ हियर फाई में बी पॉजिटिव ओके बट नॉन जीरो so there will be a dissipation of power but through it will be uh, through resistance r only not impedance z to kyunki yahan par hamare paas vc tha to so z hamare paas hota hai under root of r square plus xl minus xc whole square तो जब यहाँ capacitor लगा है तो ये zero होगा XL zero होगा ठीक तो बचा क्या जैड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ना तो ये z का वैल्यू यहां पर होगा सो इट विल बी नॉन जीरो ओके तो ये पावर एक और फैक्टर यहां पर सो पावर लॉस देयर विल बी पावर लॉस पावर लॉस हा ठीक है बट इट विल बी ऑलवेज थ्रू रजिस्टर तो हमने देखा कॉस फाइव इसके बराबर है तो यहां एक और रिलेशन हम निकाल सकते हैं देखिए हमने देखा था पावर वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस ऑफ फाई ठीक है ना पावर थ्रो दिस ट्रू पावर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू

यानी करंट डिस्पेटेड थ्रो रेजिस्टर ओनली ओके ये पावर डिस्पेटेड थ्रो रेजिस्टर ओनली ये ठीक कुछ और फॉर्मुलस भी निकाल सकते हैं यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं आ, ये जो यहां पर है देखिए वी यहाँ पे पावर डिस्पेटेड इसमें से और भी निकाल सकते हैं हम वी आर एम एस आई आर एम एस किसके बाद बनेगा वी आर एम एस

आर एम एस कॉस फाइव वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव ठीक अब इसके बदले में लिख सकते हैं पी आई आई आर एम एस इंटू जेड तो आई आर एम एस स्क्वायर कॉस जेड कॉस फाइव ये भी फॉर्मूला बनेगी तो बहुत सारी फार्मूलाज इसमें बनती है ठीक है ना नेक्स्ट एक और केस तो अगर ये एक और केस ठीक है ना आपके पास आर अभी हमने आर सी अगर एल सी आर सी आर एल सर्किट होगा ये आर और ये एल देखिए यहां करंट इसी डायरेक्शन में इसमें भी उसी डायरेक्शन में जाएगी करंट आई ठीक यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप भी इसी डायरेक्शन बिकॉज वही फेज एंगल सेम रहता है तो आई भी सेम यहां पर भी सेम लेकिन इसमें करंट क्या करती है करंट यहां लैग करती है ठीक तो हम क्या कहेंगे वोल्टेज को हम ऐसे इसमें ऐसे दिखाएंगे करंट यहाँ लैग करती है तो ये हो गई करंट की डायरेक्शन आ गई इसी डायरेक्शन में और ये आपका व्हील है ठीक है तो अगर मैं डायग्राम बना दू देखिए आपका पोटेंशियल ड्रॉप इस डायरेक्शन में ठीक लेकिन इसका वोल्टेज ड्रॉप इस डायरेक्शन में ठीक तो रिजल्टेंट वोल्टेज किस डायरेक्शन में आएगी इस डायरेक्शन में आपका वी एल है ठीक तो एंगल <laughs> करंट चूंकि इस डायरेक्शन में तो एंगल फाइव होगा तो इसका ये वी आर और वी एल का रिजल्टेंट क्या है इसका ये है ठीक है ना ये आपको वी एल ठीक है ना तो ये रिजल्टेंट है ठीक तो आपका रिजल्टेंट ये हो गया आपका यहां पर ये ये वी आर है ऐसे ठीक तो ये एंगल क्या है आपका ये फाई है ठीक तो cos फाई कैसे निकालेंगे cos फाई दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगेन वही वी बेस दैट इज वी आर वोल्टेज एंड दिस इज वी तो ये क्या बनेगा आपको दैट इज आई आर ये हो गया आई जेड क्यों आई जेड क्यों लिखते हैं क्योंकि ये टोटल सर्किट का उसकी इम्पीडेंस जेड होगी ठीक तो आई आई कैंसल तो ये अगेन वही निकलता है आर बाई जैड लेकिन यहाँ आर जेड क्या होगा यहाँ पर यहाँ होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि सी यहाँ पर जीरो होगा तो पावर डिस्प्यूटेड क्या होगा वही पी विल बी इक्वल टू आई आर एम एस मैंने इससे पहले आई आर एम एस लिखा अब मैं आई एम आई एम इन बी आई ठीक है ये भी आर वैल्यू लिखते हैं ताकि आपको पहचान रहे कि किसी कभी आई भी सी सीधे लिखते हैं आर भी लिखते हैं ठीक है ना वी आई कॉस वाई सो अगेन पावर कैन हैव एनी नॉन जीरो नॉन जीरो वैल्यू एंड बट पावर विल बी ऑलवेज डिस्ट्रेटेड थ्रो रिस्ट जो इसे पहले मैंने दिखाया था ठीक है अगर अब ये हो गया आर अगर अब होता एल भी हमने किया अगर एल होगा एल सी सर अब देखिए अगर करंट इस डायरेक्शन में है ठीक एक डायरेक्शन में दिखाएंगे करंट आए ठीक है लेकिन इसमें वोल्टेज क्या करती है इसमें करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करती है वी सी इस डायरेक्शन में अगर करंट इस डायरेक्शन में यहां वोल्टेज यहां करंट लैग करती है तो वोल्टेज इस डायरेक्शन में ठीक ये वी एल वी सी वी एल हो गया ठीक तो अगर मैं इसका फेजर बनाऊं, इसी इस डायरेक्शन में और वी एल इस डायरेक्शन में जो लंबा होगा मतलब ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन सपोज ये आपका व्हील बड़ा है तो वोल्टेज रिजल्टेंट यहाँ से निकलेगी लेकिन करंट किस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में तो एंगल क्या बनाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज फाइव दैट इज नाइन्टी डिग्री ठीक तो कॉस फाइव विल बी पाई बाई टू सो पावर डिसिपेटेड विल बी ज़ीरो अगेन ठीक है अब ली हम एलसीआर सर्किट ठीक है ना उसके बारे में बता देंगे अब हमारा सर्किट है एल सी आर सीरीज एल देखिए पहले आर एल और सी अब देखो करंट इस डायरेक्शन में हर एक में ठीक है तो इसमें वोल्टेज भी इसी डायरेक्शन में वी आर इसमें वोल्टेज क्या करती है करंट से लीड करती क्योंकि करंट इसमें लैग करती तो लीड तो वोल्टेज इसकी डायरेक्शन में ऐसे वी एल ये किस डायरेक्शन में इसमें वोल्टेज क्या करती है लैग करती है तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो वोल्टेज मिसाल इस क्या पर, ये वी ऐसे ठीक वी सी अब यहां एंगल क्या है एंगल यहां पर आ, करन, वी आर और इसके दरमियान क्या है तो अब इसकी रिजल्ट क्या निकलेगी यहां अब रिजल्टेंट क्या निकलेगी रिजल्टेंट वोल्टेज क्या निकलेगी पहले हम देखेंगे इनमें से बड़ा कौन है VL बड़ा है या वी VL बड़ा है या BC बड़ा है अब समझो BC बड़ा है ठीक तो रिजल्टेंट कहाँ है तो ये रिजल्टेंट मिसाल पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊं तो समझो ये BC है पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर ठीक तो अब ये बड़ा छोटा है और ये वी सी बड़ा है पोटेंशियल तो इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा समझो उसमें से इतना काट देंगे ये जो है ये काट दिया इतना तो बचा इतना तो ये समझो ये क्या हो गया आपका वीजड प्लस वी एल ये वेक्टर ठीक है तो अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा अब वी आर और वीएल तो ये क्या है ऐसे ठीक ये इनका रिजल्टेंट निकला ठीक तो ऐसे बनाएंगे आपकी वोल्टेज V है तो एंगल इसके साथ क्या बनाता है लेट एस फाइव तो रिजल्टेंट वोल्टेज V क्या होगी uh, कॉस फाइव कैसे निकलेगा बेस डिवाइडेड बाय हाई बेस कॉस फाइव क्या होगा बेस क्या है आपकी वी आर यह क्या है V? ठीक तो अगेन जैसे मैंने लिखा ये यह बनेगा R बाई जेड सो कॉस फाइव विल बी R बाई जेड सो

Z किसके बन होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल होल स्क्वायर तो उस वक्त क्या बनता है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी एट रेजेंस सो Z विल बी इक्वल टू तो ये बनेगा जीरो सो इट विल बी अंडर रूट आर स्क्वायर दैट विल बी आर चूंकि ये ज़ीरो बनेगा तो जब ये आर सो कॉस फाइव विल बी इक्वल टू कॉस फाइव बी आर दैट इज आर बाई आर दैट इज वन

वाटलेस करंट वाटलेस और पावरलेस करंट तो हमने देखा अभी प्योर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट फेज एंगल क्या होता है फेज एंगल वहां होता है पाई बाई टू यानी पावर फैक्टर वहां क्या होता है जीरो सो पावर डिस्पेटेड क्या होता है दैट इज आई इंटू वी कॉस ऑफ जीरो दैट इज कॉस ऑफ नाइनटी ठीक है सो इट इज जीरो सो दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट ओके, द करंट विच डज नो वर्क ठीक है ना कोई काम क्योंकि बिकॉज व्हाट इज पावर पावर इज रेट आउट डूइंग सो करंट व्हिच डज नो वर्क इज कॉल्ड वाटलेस करंट ओके एक और चीज है इसमें और चीज इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में जो होती है वो होती है पोअर पावर फैक्टर जब ट्रांसमिशन कंपनीज पावर ट्रांसमिट करती है अगर हम कहेंगे पोअर पावर फैक्टर उसका मतलब है जो कॉस पावर फैक्टर का वैल्यू ये जो पावर फैक्टर है उसका वैल्यू स्मॉल है ठीक तो ये क्या होता है सपोज जब हमें पावर डिलीवर करना होता है पावर क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई ठीक है आई आर एम एस वी आर एम एस जो भी बोलो ठीक तो यहां पर जब अब लेट अस सपोज दैट वी गिवन वोल्टेज हमें समझो 200 220 वोल्ट रखना है ठीक अब चूंकि यहां हम पावर के लिए यहां कॉस्ट वाई भी लगाते हैं खाली पावर ये तो वर्चुअल पावर हुआ तो पावर के लिए कॉस्ट फाइ चूंकि अगर इसका वैल्यू स्मॉल है इसका वैल्यू स्मॉल है ठीक तो उसका मतलब ये जो वोल्टेज वी है ये डाउन हो जाएगी कम हो जाएगी इसको बढ़ाने के लिए हमें करंट को इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक अगर जब करंट को इंक्रीज करने वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए 220 रखने के लिए चूंकि पावर फैक्टर कम है हमें आई को इंक्रीज करना पड़ेगा अगर हमने इंक्रीज किया करंट uh, को ताकि ये एक फिक्सड वोल्टेज पर रहे जो हमें डिजर्ड जो भी डिजर्ड हो तो वह हमें क्या हमें क्या वहां लॉसेज हो जाएंगे तो लॉस क्या होता है पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर ठीक है ना जूल सीटिंग लॉ ठीक है ना तो ये जब करंट बढ़ेगी तो उसका स्क्वायर हो जाएगा रेजिस्टेंस में से जो पावर डिसपेट uh, होगा ज़्यादा होगा सो इसीलिए इसको कहते हैं पोअर पोअर पावर फैक्टर ठीक है ना जब स्मॉल वैल्यू हो तो कहते हैं पोअर पावर फैक्टर लॉसेस ज़्यादा होती हैं बिकॉज हमें करंट का इंक्रीज करना पड़ता है ताकि एक वोल्टेज मेंटेन रहे ठीक इस पावर फैक्टर को ऐसे कैसे हम इंप्रूव करेंगे यानी पावर डिलीवरी में हमें लॉसेस कब कम होंगे कैसे हम कम कर सकते हैं तो इंप्रूवमेंट ऑफ ऑफ पावर फैक्टर हमारे पास एक फेजर आ, फेजर डायग्राम से बताऊंगा मैं लेट अस सपोज दैट वी हैव करंट इन दिस डायरेक्शन दैट इज आई आर एम एस वैल्यू हम फ्रेजर से दिखा रहे हैं एंड वोल्टेज लेट एस ए वोल्टेज इज इन दिस डायरेक्शन ठीक है वोल्टेज का फ्रेजर यानी आई आर एम एस वी आर एम एस लेट एस सपोज दैट करंट यहाँ इनका वैल्यू फाइव है ये लेट एस सपोज दैट एंगल बिटवीन दिस इज फाइव नव दिस आई कैन बी रिजॉल्व टू टू कम्पोन्ट्स वन द परपेनिक्युलर कम्पोडेंट इन दिस डायरेक्शन लेट एस सपोज दिस इज आई पी

आई पी मतलब मीन्स आई पी दैट इज आई कॉस ऑफ phi ठीक है ना ये component इसका magnitude क्या होगा जब हम ऐसे यहाँ डालेंगे perpendicular तो ये क्या बनेगा आपका चूंकि ये base है तो ये बनेगा आपका I cos phi तो power loss क्या होगा पावर लॉस क्या होगा इसका magnitude दैट इज वी ये करंट करंट आई नहीं है आप इस डायरेक्शन में आई फाइ तो यहां एंगल क्या बनता है बिटवीन वी एंड आई फाइ दैट इज जीरो सो इट विल बी इनटू कॉस ऑफ फाइ कॉस ऑफ जीरो बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस तो ये और ये ठीक है ना तो वी इंटू आई कॉस फाइव हमें पता है कॉस यहाँ थी, यह so, so तो ये ये एंगल क्या है जीरो सो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन सो वी आई इज इक्वल टू कॉस फाइव तो ये जो है इट विल इट विल डिस्पेट पावर ठीक है ना तो ये हमें एनर्जी देगी इट मीन्स दैट पावर पावर इज डिस्पेटेड इन दिस डायरेक्शन इस कंपोनेंट की डायरेक्शन में तो इसको हम कहेंगे ये जो कंपोनेंट है आई कॉस फाइ इसको कहेंगे वाटफुल करंट वाटफुल करंट ठीक है अब ये जो कंपोनेंट है इसका मैग्नीच्यूड आई क्यू का मैग्नीच्यूड होगा आई आई साइन फाई अगर हमें यहां पर पावर देखना हो ठीक है ना तो दिस uh, वोल्टेज और इस कंपोनेंट के दरमियान एंगल क्या है 90 ठीक तो पावर यहां पर क्या होगा वोल्टेज भी उसका मैग्नीट्यूड करंट है आई नहीं आई साइन फाइव और एंगल इनके दरमियान क्या है कॉस ऑफ पाई बाई टू कॉस ऑफ पाई बाई टू इज जीरो सो दिस होल थिंग विल बी जीरो एंड दिस इज कॉल्ड आइडल करंट और वाटलेस करंट तो ये जो है ये करंट हमें ज़ाया होती है इससे हम कोई काम नहीं ले सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर वी मस्ट न्यूट्रलाइज दिस थिंग ये जो करंट ज़ाया होती है कोई काम नहीं करती है तो इसको ज़ाया ना होने दे, तो हम क्या करते हैं हम ये मैं डॉप कर रहा हूँ हम इसको करते हैं यहाँ एक करंट बराबर इसी मैग्नीट्यूड की आई क्यू डैश लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट करते हैं ठीक है ना ताकि ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाए इट कैंसल दिस ये कैसे होता है जब हम एक कैपेसिटर पैरल लगाते हैं करंट के तो पैरल लगाते हैं करंट के जब पैरल लगाते हैं तो चूंकि ये ये हो गया पैरल लगाएगा तो अगर ये 90 फेज करेगा ये उसका उल्टा फेज करेगा ताकि सो टोटल सो इन सच अ वे इट इज़ कनेक्ट इन सच अे और उसका वैल्यू भी फिक्स किया जाता है इन सच अ वे दैट इट कैंसल दिस आइडल कंपोनन्ट ऑफ करंट हैन्स टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर ओके